हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 हमारा जो आज पेपर हुआ है 16/6/2022 को, तो उसके जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं 15 क्वेश्चन। तो बाकी आपके पास अगर क्वेश्चन हैं तो उसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि बाकी जो आपके पास क्वेश्चन है कौन से हैं। अगर जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसमें कोई क्वेश्चन जो है या रॉन्ग टाइप हो गया हो या इससे डिफरेंट रहा हो तो उसको आप ज़रूर जो है बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है उसको एकदम कम्प्लीटली जो है सही किया जा सके। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस यहाँ पे, बांदा किस नदी के तट पर है? बांदा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसमें देखिए केन, अगर ऑप्शन में आपका केन होगा तो उसको टिक करना है। अगर उसमें जो केन के अलावा जो बेतवा रहा होगा तो केन और बेतवा अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो भी आपको किसको टिक करना था? केन को टिक करना था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि केन जो है यहाँ पर एक्चुअली में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। एकदम ईजी क्वेश्चन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में। सर्वाधिक कॉफी उत्पादक कर्नाटक में आता है, यानी लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इज कर्नाटक। यूक्रेन का मुख्य सागरीय मार्ग कौन सा है, या व्यापारिक सागरीय मार्ग भी वो कह सकता है, ठीक है? तो सागरीय जो मार्ग है उसका कौन सा है? काला सागर है, ब्लैक सी की बात की जा रही है। देखिए यूक्रेन से जो है वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता था, और इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा था, और उसने जो यूक्रेन से ही रिलेट करके एक क्वेश्चन बना लिया है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनाया कि यूक्रेन का मुख्य सागरीय मार्ग या मुख्य व्यावसायिक मार्ग कह सकते हैं आप, मतलब जिससे उससे सबसे ज़्यादा उसका व्यापार होता है, या उसकी कनेक्टिंग जो है आपका कौन सा सागर है या सी है, तो आपका काला सागर यानी ब्लैक सी। 23 मार्च शहीद दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 23 मार्च मेटर डे इज सेलिब्रेटेड हुज मेमोरी? तो इसके भगत सिंह होगा। तो उसमें जो है स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सरदार भगत सिंह दे रखा था, जबकि वो इंग्लिश में जब आप देखे होंगे तो वहाँ पे सरदार उधम सिंह था, तो आपका इंग्लिश के हिसाब से हमेशा सही माना जाता है। तो इंग्लिश में जो आपका इरर दिखा रहा है, मतलब इंग्लिश के हिसाब से आपका हिंदी में इरर दिखा रहा है, इंग्लिश में सही है, तो यानी आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे भगत सिंह ही होगा, सरदार भगत सिंह नहीं होगा। आंसर क्या होगा? भगत सिंह। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन में नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत कौन से तेल का मुख्यतः आयात करता है? इस क्वेश्चन को मैंने कभी नहीं कराया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कभी नहीं कराया था, एक क्वेश्चन एकदम नया आया हुआ है। तो पॉम ऑयल का जो यहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत जो है ज़्यादातर क्या करता है? आयात करता है। हाल ही में किस विख्यात संतूर वादक का निधन हो गया हुआ था? क्यों नहीं, पंडित रवि कुमार शर्मा की बात की जा रही है, पंडित रवि कुमार शर्मा। थॉमस कप किस खेल से? बैडमिंटन से संबंधित। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन। इनमें से किस शासक ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर की बात की जा रही है, सिकंदर की बात की जा रही है। सेमी कंडक्टर चिप्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो सेमी कंडक्टर चिप्स होते हैं उनके प्रयोग की बात की, वेयर आर सेमी कंडक्टर चिप्स यूज्ड इन? तो ये कहाँ पे होते हैं? सभी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हमारे हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं और आगे जो टीवी वगैरह है सभी में, तो ठीक है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने कर दिया है ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो ऑप्शंस को क्लियर नहीं बता पा रहे थे कि क्या क्या था, और यहाँ पे जो है कौन कौन से डिवाइस दे रखा था ऑप्शन में भी तो क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए हमने जो है डायरेक्टली सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लिख दिया है। अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो हमें कमेंट करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, सभी को पता है। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? कार्बन मोनोऑक्साइड। रानी विक्रमा सिंघे से पूर्व श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? महिंद्रा राजपक्षे। ये देखिए आपका क्वेश्चन तो ये कराया गया है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हुआ क्या है कि जो है आपके यूपी कैडेट वाला जो था इसने जो है बहुत रिसेंट का पोस्ट लिया है, इस क्वेश्चन को ऐसे वर्बली जो है हमने बता दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे जो है इससे पहले थे, विक्रम रानी सिंघे से जो है पहले जो है क्या थे, यही मुख्यमंत्री यहाँ पे सॉरी प्रधानमंत्री थे। आगे है क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपका कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे रखा था, तो जो कि क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना। तो आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपको बाकी जो आपके 5 क्वेश्चन है वो हमें बताएंगे कमेंट करके, अगर आपको पता हो। व्हाट्सअप आपका 9170788397 है, और टेलीग्राम पर आपका फाइनल एग्जाम भी आशीष सर, वहाँ पे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।